अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ बायोलॉजी, 9th बायोलॉजी, लेसन नंबर 3, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ऑब्लिक हायरार्कीज। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है 9th बायोलॉजी में, लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लेक्चर में हम बेटा डिस्कस करेंगे सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के मुतालिक। हमने बेटा पिछले लेसन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म किया, जिसमें हमने कहा स्टार्ट किया पहले एरिस्टोटल ने, उसके बाद कार्लोस लिनेंसी ने, और कार्लोस लिनेंसी ने उसके बाद इस्तेमाल की डार्विनस थ्योरी, जिससे क्लासिफिकेशन का एरिया और सिंपल बना। मगर बेटा आपको याद रखना है जो एरिस्टोटल था या जो कार्लोस लिनेंसी था, इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। ठीक है बेटा, अब जब हमने कल कहा कि ये जो कार्लोस लिनेंसी था कैसे इसने डेवलप की डार्विनस थ्योरी और क्लासिफिकेशन का सिस्टम वजूद में आया, प्रॉपर क्लासिफिकेशन का सिस्टम, जिसमें इन्होंने बोला ऑर्गेनिजम्स को खाली हम क्लासिफाई नहीं करेंगे हैबिटेट पे या प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्लड पे, बल्कि हमें जो लिनेंसी था जिन्होंने फिर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के बारे में बोला, उन्होंने बोला हम पहले क्या देखेंगे, हम बेटा पहले देखेंगे न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद देखेंगे लेवल ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा, या लिनेंसी ने बोला था पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो कल हमने पढ़ा कौन से और मेथड्स हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन करने के लिए, कौन से और चीजों के बारे में हमें जानना है। तो हम कहते हैं ये जो कार्लोस लिनेंसी था, जब इसने ये क्लासिफिकेशन मॉडिफाई की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसी ने बेटा टर्म दी फिर सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स हम किसे बोलते हैं, दिस वर्ड वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय कार्लोस लिनेंसी इन हिज बुक सिस्टम ऑफ नेचर। ये वर्ड सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था, कार्लोस लिनेंसी ने, अपनी बुक में जिसका नाम था सिस्टम ऑफ नेचर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर इन दीज वेरियस कैटेगरीज। तो हम कहते हैं सिस्टमैटिक का मतलब क्या है बेटा, ये वो ब्रांच है साइंस की जहां हम स्टडी क्या करते हैं बेटा, टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफाइंग, नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, मगर साथ साथ और क्या, एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। और हम जब ये क्लासिफिकेशन करते हैं हम क्या स्टडी करते हैं बेटा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एमंग विच आर इन दीज वेरियस कैटेगरी, जो हम इन कैटेगरीज में रखने वाले हैं, मतलब जो हम ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी बनाने वाले हैं उसमें हम स्टडी करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, जिसका कंसेप्ट लिनेंस को कहां से बेटा मिला, डार्विन से। और एक नई टैक्सोनॉमी सिस्टम इसने वजूद में लाया जिसका नाम था सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है टैक्सोनॉमी की जहां हम टैक्सोनॉमी के साथ साथ स्टडी करते हैं बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ठीक है बेटा, उसके बाद लिनेंसी ने अपनी क्लासिफिकेशन को फर्दर मॉडिफाई किया, किसमें बेटा, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी ओब्लिक हायरार्की। अब इसने बोला क्लासिफिकेशन के लिए हमें क्या काम करना है, अगर हमें अच्छी तरह से क्लासिफिकेशन करनी है, अगर हमें पूरी क्लासिफिकेशन को मेंटेन रखना है, हमें हर किसी स्पीशीज का जिसका हम ग्रुप बनाएंगे, हमें उसके लिए एक टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बनानी है, एक टैक्सोनॉमिकल लेवल बनानी है, मगर हर किसी लेवल पे हमें उसको मेंटेन रखना है, वही लेवल हमें बेटा यहां पढ़नी है आज, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज ओब्लिक हायरार्कीज। कार्लोस लिनेंसी इंट्रोड्यूस्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कैटेगरीज ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। कार्लोस लिनेंसी ने इसको कब इंट्रोड्यूस किया बेटा, 18th सेंचुरी में। इट इज द प्रोसेस ऑफ एरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स इनटू सक्सेसिव लेवल ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये वो मेथड है जिसमें हम क्या काम करते हैं बेटा, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं सक्सेसिव लेवल्स पे ऑफ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में बेटा, ईदर इन ए डिक्रीजिंग ऑर्डर और एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, या तो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फ्रॉम
किंगडम टू स्पीशीज, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, ऊपर आएगा किंगडम, सबसे नीचे आएगा स्पीशीज, और स्पीशीज टू किंगडम, अगर अब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, नीचे आएगा स्पीशीज, ऊपर आएगा किंगडम. ए टैक्सोन इज रेफर्ड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज यूनिट. टैक्सोन का मतलब बेटा क्या है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिसको हम क्लासिफाई करते हैं एक यूनिट. ईच ऑफ दिस दीज लेवल ऑफ द हायरार्की इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और रैंक. और इस लेवल में हर किसी हायरार्की, इस हायरार्की लेवल में हर किसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर और रैंक. मिसाल के तौर पर बेटा हम कहते हैं किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद स्पीशीज. या अगर हम नीचे से बेटा कहेंगे स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, ठीक है बेटा, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, फाइलम, ठीक है बेटा. तो यही अब हमें पढ़ना है, और यहां आपको ये याद रखना है, चार्ल ये जो कार्लोस लिनेंसी था, इसका मकसद क्या था बेटा, ये इंट्रोड्यूस करने का टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या हायरार्की, ताकि क्लासिफिकेशन और सिंपल बने, ताकि हम ऑर्गेनिजम्स को हर एक यूनिट पे, हर एक रैंक पे क्लासिफाई कर सके. मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस स्पीशीज से बिलोंग करता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस क्लास में आता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस फैमिली में आता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस ऑर्डर में आता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस किंगडम में आता है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये किस फाइलम में आता है. इस बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन. तो इसने क्लासिफिकेशन को फर्दर सिंपल बनाया जब इसने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की वजूद में दी, कि हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे मगर बेटा लेवल्स पे, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में या तो बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जिससे क्लासिफिकेशन फर्दर बनी सिंपल, जिससे क्लासिफिकेशन मोर इंटरेस्टिंग बनी. और बेटा 1 मिलियन स्पीशीज को जो एग्जिस्ट हुए थे उनको इस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया. तो कल हम बेटा पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी में बेटा अलग अलग जो हमें 7 लेवल्स पढ़नी है, इसमें 7 टैक्सोनॉमिकल रैंक्स हमें इसमें पढ़नी है, स्पीशीज, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ठीक है बेटा, किंगडम या फाइलम, ठीक है. तो वो हम सारे कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटा.